अभी हमारे साथ में हैं NCH के चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना सर, हु इज़ अ को ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस मेगा इवेंट वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 24। लेट्स टॉक टू हिम। नमस्कार सर। सर ये आपको पता है इतना मेगा इवेंट जो हुआ है, 7000 लोग इसमें आए हैं और हमारी प्रेसिडेंट जो हैं इसमें चीफ गेस्ट थी एंड यू आर अ को ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट। सर टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस, हाउ यू मैनेज टू डू दिस। कुछ नहीं, हमने अपने CCRS ने कुछ बहुत सारे कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ था। वी मोटिवेटेड दोज कॉलेजेस टू, सिंस यू हैव कोलैबोरेटेड विद CCRS और अगर आप लोगों ने कोई मीनिंगफुल रिसर्च किया है, शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप इन होम्योपैथी के अंदर स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हैं तो वो आकर अपने को शेयर करें यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस। और बहुत सारे, ऑलमोस्ट मुझे जो पता लगा था कि मोर देन 70 कॉलेजेस ने ऐसे कोलेब्रेशन CCRS के से किए, तो कुछ पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए हुए। और शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप जो CCRS में हमने उस समय एज ए DG डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने लॉन्च की थी, उसका बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत स्टडी के टाइम में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए जिससे उनको इंसेंटिव मिलता था, उससे उनके बीच में एक रिसर्च एप्टीट्यूड खड़ा हुआ। ये सब स्टूडेंट्स और कॉलेज की फैकल्टीज़ वो इतना मोटिवेट हुए कि जब मैडम प्रेसिडेंट का नाम ध्यान में आया कि वो इसको इनॉग्रेट कर रही है, सबको लगा कि इस इवेंट को एक बड़ा स्केल पे लेकर जाना चाहिए। और हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये तय किया कि इसको एक मेगा इवेंट बना के लेकर आए इस बार, और वो चांस हमारा बहुत सक्सेस हुआ कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, कॉलेजेस, एसोसिएशंस, इंडस्ट्रीज, सबका बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला है इस इवेंट को आगे टेकअप करने के लिए। और आप जैसा कह रहे हैं कि उसमें लगभग 7000 लोग आए, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि 7000 लोगों ने इसमें रजिस्टर किया अपने आप को, और वो सब ने यहाँ पर आकर अपनी प्रेजेंस से उस मेगा इवेंट को सक्सेस किया। सर 7000 लोगों का आना बहुत बड़ी बात है सर, इतना बड़ा मेगा इवेंट और इतना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे सर, कुछ आप बताइए। सबसे पहला चैलेंज ये था कि इस वेन्यू को कहाँ पे लिया जाए क्योंकि टारगेट हमने पहले ही सेट कर लिया था और मैडम के क्योंकि कंफर्मेशन कंसेंट पहले मिल गई थी, तो ऐसे में अब ये ज़रूरी था कि कोई जो वेन्यू है वो उस लायक होना चाहिए। और लकीली ये जो हमारा यशभूमि का सेंटर है, यहाँ पर 6000 कैपेसिटी का ये हॉल है और इसके साथ ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर इतने सारे लोगों का हम केटरिंग, उनकी लंच वगैरह का अरेंजमेंट भी साथ में किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई क्रैम्पिंग ना हो। और साइड हॉल्स भी उसमें हर फ्लोर पे अवेलेबल है, हमारे पैरेलल सेशंस भी चल सकते थे, अगर कोई रजिस्ट्रेशन से बाहर जाकर हमारा नंबर जा रहा था तो पैरेलल हॉल्स में उनको डायरेक्ट टेलीकास्ट के थ्रू वो भी अटेंड कर सकते थे। इसलिए ये वेन्यू हमसे सबसे नज़दीक मिला, एयरपोर्ट के नज़दीक है, नया द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है, जो लोग जयपुर से, दिल्ली के आसपास की सिटी से आए वो लोग बसों से भी आए, बहुत सारे लोग ट्रेन में भी आए, बाई एयर भी आए, तो सबके लिए ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट प्लेस हमें मिल गया। और उसका हमें ये लाभ हुआ कि यहाँ पर ये इवेंट बहुत स्मूथली, बहुत सक्सेसफुली चला है। इतना बड़ा मेगा इवेंट सक्सेसफुल होने के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे भी सर नेक्स्ट ईयर भी हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ा इवेंट होगा। नेचुरली हम एक बेंचमार्क हमारा सेट हो गया, हम इस स्टैंडर्ड से आगे जाकर इस बेंचमार्क को आगे पार करके अगले वर्ष हम और कोई बड़ा ऐसा सोचेंगे इस बारे में और विचार करेंगे। एडवांस में बहुत पहले से प्लानिंग होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाएगा, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ये माइल तो हमने हासिल कर लिया, इससे बड़ा यहाँ पर कोई हमारे पास जगह नहीं है इवेंट करने की। लेकिन फिर भी विचार करते हैं इसको क्वालिटेटिवली और अच्छा कैसे किया जाए ताकि लोग उस टेक्निकल सेशन से उतने ज़्यादा और अधिक बेनिफिट हो पाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।